Hello friends, in this video lecture we will discuss an example of Millin-Thompson method and statement of Millin-Thompson method we will discuss in previous lectures. जिनको भी Millin-Thompson methods देखना हो वो हमारे पिछले lectures में जाके देख लें. और कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल की बात की थी, क्योंकि Millin-Thompson method की अगर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा आउटलेट पे जाते हैं, तो Millin-Thompson method हमारा ये कहता है कि किसी भी फंक्शन एफ जेड को डायरेक्टली कन्वर्ट टू इन टर्म ऑफ जेड के फॉर्म में हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं. और Millin-Thompson method के चार केसेस थे, कल हम लोगों ने बात की थी उन केसेस पे, प्रीवियस लेक्चर में दिए हुए हैं. जिनको भी चाहिए हो तो वो पिछले लेक्चर से देख लें. यू इज गिवेन, देन वी फाइंड आउट डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, देन वी कैन से विच इज अ 5 1 xy, डेल यू अपॉन डेल वाई 5 2 xy, देन वी रिप्लेस एक्स इक्वल टू जेड बाई इक्वल टू जीरो एंड बाई Millin-Thompson मेथड एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 1 z0 माइनस आई 5 2 z0 डी जेड प्लस सी. सेम वी माइनस गिवेन, वी इज गिवेन, यू माइनस वी इज गिवेन एंड यू प्लस वी इज गिवेन. और पिछले लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल लिया था, उसमें हमने कहा था कि इफ यू इज गिवन, लेकिन हमारे मन में यह आया कि अकेला एक एग्जाम्पल से Millin-Thompson मेथड क्लियर नहीं होगा. तो आज हम लोग एक एग्जाम्पल और लेके आए हैं, जिसमें हम लोग ने थर्ड और फोर्थ केस के एग्जाम्पल को डिस्कस किया है. इस एग्जाम्पल में हमने ये कहा कि इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड एंड यू माइनस वी इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई अपॉन 2 cos x माइनस 2 cos हाइपरबोलिक वाई. प्रूव दैट एफ जेड इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉट जेड बाई 2 वेयर एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू 0. दैट इज मीन्स मेरे कहने का स्टूडेंट्स मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन गिवन है हमें जो u माइनस वी के फॉर्म में गिवन है. पहले तो उसने ये कहा एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी एनालिटिक है, और उसने कहा u माइनस वी इक्वल टू ये दिया गया है, तो मुझे प्रूव करना है कि जो एफ जेड फंक्शन है वो ये होगा 1/2 1 माइनस कॉट जेड वाई 2 वेयर उसने एक कंडीशन भी हम लोगों को इनिशियल कंडीशन ऐड की कि एफ ऑफ पाई वाई 2 इक्वल टू 0. मीन जब एफ ऑफ पाई वाई 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है. नाउ सॉल्यूशन के लिए हम लोग जाते हैं, तो हम लोगों ने लिया लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, एंड वी मल्टीप्लाई आई, आई से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड. सो आई ऑफ एफ जेड विच इज इक्वल टू आई यू माइनस वी, दैट इज आई स्क्वायर, सो वैल्यू आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी, एंड वी राइट डाउन विच इज इक्वेशन सेकेंड. देन वी एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 + i एफ जेड विच इज इक्वल टू यू माइनस वी प्लस आई यू प्लस बी, एंड सो वी राइट डाउन दिस इज एफ जेड एंड दिस इज यू कैपिटल यू एंड दिस इज कैपिटल वी, यू माइनस वी विच इज कैपिटल यू और यू प्लस वी विच इज कैपिटल वी, वेयर एफ जेड इक्वल टू 1 + i एफ जेड, कैपिटल यू इक्वल टू यू माइनस बी और कैपिटल वी इक्वल टू यू प्लस वी. अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं. इतनी ये जो प्रोसेसिंग है ये हमको थर्ड केस, चाहे यू माइनस बी गिवेन हो चाहे यू प्लस वी गिवेन हो, दोनों ही केसेस में हमको यहां तक तो करना ही है, दिस स्टेप तक. इसके बाद हम लोग ये देखते हैं उस एग्जाम्पल में कि u माइनस वी दिया गया है या फिर u प्लस वी दिया. जैसे यहाँ पे u माइनस वी दिया, हमने कहा सो u माइनस वी इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस बाई अपॉन 2 cos x माइनस 2 cos हाइपरबोलिक बाई. सो वी चेक विच इज u माइनस वी एंड इन दिस u माइनस वी इक्वल टू कैपिटल u, तो हमने इसको क्या लिख दिया, कैपिटल u लिख दिया u माइनस वी को. देन अब ये जो क्वेश्चन हमारा होगा वो कैपिटल यू के लिए हो गया, कि अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया यू. इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट केस जब यू इज गिवन, अब हम आगे की प्रोसेसिंग फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग करेंगे. तो यू इक्वल टू ये दिया गया था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई अपॉन 2 cos x माइनस 2 cos हाइपरबोलिक वाई. नाउ वी तो हमने क्या किया, ई टू दी पावर माइनस वाई की वैल्यू रिप्लेस कर दी, क्योंकि हमने ये देखा पूरा जो क्वेश्चन हमारा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में है. तो हमने कहा कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्म में था, तो इसको कन्वर्ट कर लिया. तो हमने u इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन 2 cos x माइनस 2 cos हाइपरबोलिक वाई. सो u इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई, हमने इसको इसके साथ लिख लिया जिससे हम लोग सेपरेट कर सके, कॉस एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन एक्स
प्लस साइन हाइपरबोलिक बाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस टू कॉस हाइपरबोलिक बाई। सेपरेट किया तो ये इसमें ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से ऑनली मुझे मिला वन बाई टू प्लस साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक बाई अपॉन टू cos x minus cos hyperbolic by and we write down which is the equation 4। u हमारा तैयार हो गया। अब आगे की प्रोसेस के लिए हम लोगों ने ये कहा था कि u को एक बार हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जो x के रिस्पेक्ट में करेंगे उसको हम कहेंगे phi 1 x y, और जो y के रिस्पेक्ट में करेंगे उसको करेंगे phi 2 x y। so now differentiate equation 4 with respect to x partially we get, हमने क्या किया इस u को पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो 1 by 2 तो इसका डिफरेंशिएशन क्योंकि ये तो कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सो 0, तो भैया ये तो 0 हो गया। प्लस x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमने देखा ऊपर भी x अवेलेबल है और नीचे भी x अवेलेबल है, तो हमारा क्या होगा कि हम लोगों को डिवाइडेशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने उसी को अप्लाई किया 1 by 2 को हमने आउटसाइड कर लिया। सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, सो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x सो cos x माइनस फर्स्ट sin x प्लस sin हाइपरबोलिक y, differentiation of secant and this differentiation so cos x so minus sin x upon secant ka square cos x minus cos hyperbolic by ka square। now 1 upon 2 hum logo ne multiply kiya aapas mein cos x ka isme kiya aur yahan pe sin x ka multiply kiya to cos square x plus sin square x hame mil jayega jisko humne likh diya ki 1 ho gaya minus cos ye hamara banega dekhiye yahan se cos x mein multiply kiya cos square x aur yahan se minus sin x so plus का sin square x and cos square x plus sin square so 1 हो गया and this is a minus cos x cos hyperbolic y and this is a minus minus plus sin x sin hyperbolic y upon cos x minus cos hyperbolic y का square and we write down which is a phi 1 x y। हमने यही कहा था कि u को x के respect में हम लोग partial करेंगे और वो हमारा क्या बन जाएगा phi 1 x y। now next we differentiate fourth equation fourth with respect to y partially, partially हम y के respect में differentiate करेंगे इसको, तो हमने फिर देखा 1 by 2 इसका तो 0 हो जाएगा भाई, ऊपर भी y available है नीचे भी y available है, that means divideation rule use करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमने use किया, so 1 by 2 second differentiation of first and so sin x sin hyperbolic y, so which is a cos hyperbolic y minus sin x plus sin hyperbolic y and differentiation of this cos hyperbolic y so sin hyperbolic y but this minus so minus that it means simply हम लोग differentiation करते हैं तो sin x का cos x and cos x का minus sin x but in hyperbolic function sin hyperbolic y so cos hyperbolic y and cos hyperbolic y so sin hyperbolic y upon cos x minus cos hyperbolic y का square, in this we multiply cos x cos hyperbolic y and this is a minus cos hyperbolic square by and this sin hyperbolic y sin x minus minus plus and this is a minus sin hyperbolic y and in hyperbolic sin cos square hyperbolic y minus sin hyperbolic square y which is equal to 1 so this is a minus cos hyperbolic square y this is a plus sin hyperbolic square y we take minus common so cos hyperbolic square y minus sin hyperbolic so which is 1 so we write down which is a minus 1 cos x minus cos hyperbolic y square and we write down which is a phi 2 x y now put x by z and y by 0 in dono mein hum log kya karenge x ki jagah pe z replace kar denge aur y ki jagah pe 0 replace kar denge so this phi 1 z 0 1 upon 2 1 minus cos hyperbolic 0 and cos z and cos hyperbolic 0 so 1 minus cos z and sin hyperbolic 0 so 0 so this term is 0 and so 1 upon 2 1 minus cos z minus 1 का whole square इसको अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगा and one term which cancel out so 1 upon 2 1 minus cos z now second phi 2 z naught so 1 upon 2 cos z minus 1 and cos z minus 1 square so 1 by 2 1 term which cancel out minus 1 upon 1 minus cos z then we find out the value of phi 1 x by phi 1 z naught and phi 2 z naught now next by Millin-Thompson method in Millin-Thompson method fz equal to integration of phi 1 z naught minus I phi 2 z naught dz plus c and now abhi hum log phi 1 z naught aur phi 2 z naught ki value find out kar chuke the wo value humne kya ki yahan pe replace kar di so integration of 1 upon 2 1 upon 1 minus cos z plus I upon 2
1 upon 1 minus cos z dz plus c. Now in this both we take common 1 upon 1 minus cos z. 1, so 1 upon 2 plus I upon 2, that means 1 plus I upon 2 we take outside. So integration of 1 upon 1 minus cos z dz plus c. So 1 plus I upon 2, in this we use a formula of cos 2. So 1 minus 2 sin square. So in this if a, so a by 2. So 1 upon 1 minus a plus minus 1 plus 2 sin square z by 2 dz plus c. In this 2 into 2 4. So 1 plus I upon 4 or 1 upon sin square z by 2 dz plus c. And 1 upon sin, so which is a cosec. So we write down 1 plus I upon 4, and this is the integration of cosec square z by 2 dz plus c. And now integration of cosec square, so 1 plus I upon 4 minus cot z upon 2, and now differentiation of z by 2, this is a, chuki we integrate, hum log ko integrate karna hai, so minus ka cot z upon 2, and this is a z upon, so upon 1 by 2, we take z by 2 t plus c, so minus 2 cancel out, 1 plus I upon 2 cot z upon 2 plus c, and this is a value of capital F z. And in this 1 plus I small fz, we put the value of capital fz. So 1 plus I small fz, which is equal to minus 1 plus I upon 2 cot z by 2 plus c. And so fz equal to 1 plus I, we have divided it, so we cancel out this number. So minus ka 1 by 2 cot z by 2 plus c upon 1 plus I, and this is the equation number 7. Now put z equal to pi by 2, and so f of pi by 2, which is equal to minus 1 by 2 cot pi by 4 plus c upon 1 plus I. And given that f of pi by 2, which is equal to 0, so we put the value of 0, which is equal to minus the 1 by 2 plus c upon 1 plus I. So c upon 1 plus I, which is equal to 1 by 2. Then we put the value of this. So from equation 7, fz equal to minus 1 by 2 cot z by 2 plus half, and we take both common 1 by 2, so 1 minus cot z by 2. Now thanks for watching this video channel.